रिडिकुलस नवाज शरीफ ओवर मरियम नवाज चलो जो भी है नवाज शरीफ या मरियम ना स्लैश कर दो या नवाज को भी डाल दो चार में से तीन तो जो है वो फंडामेंटली बकवास इकोनॉमिक थीरीज बिलीव करते हैं तो 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 पाकिस्तान एक्सपीरियंस और आप सबके डिप्रेशन का नंबर वन रीज़न हमारे पॉडकास्ट में चुका तो है ये जब आते हैं डूम एंड ग्लूम लेकर आते हैं डायरेक्टर एट दटलान्टिक काउंसिल इन द यू एस साउथ एशिया इनिशियटिव के हमारे साथ हैं उज़ैर यूनस इंडिया का टोर करके कराची लैंड हो चुके हैं कैसे मैं कह रहा था कि और दिस एपिसोड ऑफ़ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रोजैक क्योंकि आज एपिसोड के बाद प्रोजैक की जरूरत ज़्यादा होगी बाकी स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती मरी वगैरह की लेकिन वो फिर ज़्यादा हो जाता है <laughs> देखिए आप जब आते हैं सुबह सुबह उठा देते हैं your, your आज आपने कॉफी भी पिलाई है इम्पोर्टेड वाली इम्पोर्टेड कॉफ़ी ना मंजूर आपके हम इंडिया टूर पे चलते हैं लेकिन लिटरली आप आ, जो सुबह सुबह उठाया पहली न्यूज़ जो मैंने देखी वो था कि फोर्टी परसेंट इन्फ्लेशन हो गई है डॉन डॉन ने जस्ट द सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वाली चीज तो सुबह सुबह उठते ही ये देखना <laughs> <laughs> हालत खराब हो गई है तो स्केल ऑफ वन टू टेन कितने हालत खराब है आई साउंड हैव यू सीन दैट जरा हट के कॉलर नहीं यार जरा हट के पे किसी ने फ़ोन किया उसने बोला हालत हमारी ऐसी है कि शलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है कमीज़ सिलवाते हैं तो शलवार है और इतनी महंगाई है स्केल वन तो like में मुझे याद है हॉस्पिटल uh, तो वहां डॉक्टर ने जब पूछा तो <laughs> तो इस वक्त जो है ट्वेल्व वाली हालत है और हालत इस uh, बात पे आ चुकी है Uh, मैं कल जुम्मे की नमाज़ में गया तो वहाँ मैंने सोचा अपनी मस्जिद में जाके ज़रा पल्स चेक करें कि टॉप ऑफ माइंड चीज़ क्या है तो यानी रहे हैं नहीं आप इस तरह की पॉडकास्ट बातें शुरू कर करें नमाज में जाना चाहिए ना जरा पल्स चेक करें कि <laughs> हो बात चल की आ रही है तो वहाँ एक ज़माना था जब हम बड़े हो रहे थे तो दुआ होती थी या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद करा दे कश्मीर के लोगों की मदद फरमा तो इस दफ़ा दुआ हो रही है कि या अल्लाह मुल्क को दिवालिया होने से बचा दे और कोई मुआज़ा हो जाए तो दिवालिया बच जाए तो दैट्स द देंटिमेंट एंड आई थिंक हम यूजली समझते हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट यू थिंक ने सबको बोला है भाई यार ये दुआएं करो यार बोला ही नहीं बोला लेकिन एक तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो रोज़ ट्विटर पे दुआ तो लगा देते हैं हाँ। और डिफेंस मिनिस्टर ने उस दिन कह भी दिया था कि दिवालिया हो चुका है तो आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग पीपल है तो खुद दार पॉलिसी फॉलो करने वाला हूँ अब बिकॉज जब उनसे कोई क्वेश्चन करें वो ट्विटर पर कुरान की आयत पोस्ट कर देते हैं अब बंदा कोई आगे से कुछ बोल भी नहीं सकता तो एक फुल प्रूफ डिफेंस है कमेंट में ज़्यादा बकवास कुछ नहीं कर रहा है, है क्लियरली डुबा तो so, so, I mean, हाँ। uh, दी है डार्क ने आंखों में आंखें डालते हुए जो है वो टाइटैनिक वो का सीन नहीं है जिससे वो समंदर में है और बातें एंड में चल रही है एंड में मर जाता है बेचारा डिकैप वो आंखों में आंखें डालते डालते जो है वो

तो व्हाट्सअप रूमर जो मस्जिद में बयान किया गया एज फैक्ट वो ये है कि पाकिस्तान ने फिर जब तुर्की को जल्जले के बाद भेजी सप्लाईज़ तो वो जो तुर्की की सप्लाईज थी वही घुमा के जैसे क्रिसमस का गिफ्ट या ईद का गिफ्ट हम एक तरफ से घुमा के दूसरी तरफ दे देते दे हैं उसी तरह किया पाकिस्तान ने तो आप एक फ्री स्पीच एप हैं यूएस में भी टकर कार्लसन के जो मुंह में आता है बोल देता हाँ। है फॉक्स न्यूज़ अगर आप चलाएं तो एक एकट रियलिटी होती है बट यू स्टिल फील लाइक देर दरा बिट मोर क्लेवर अबाउट इट यहाँ पर तो मतलब शायद मसूद की ख़बर थी जो प्रूफ हुआ बिल्कुल झूठ थी आ, शायद मसूद खुद टी वी आके बोल रहे हैं मैंने व्हाट्सएप पर एक बंदे की वीडियो देखी और बोल दिया आ,

सैंडी सैंडीहुक के बाद बेसिकली डिक्लेयसी राइट उसको कोर्ट्स में जाके उन्होंने क्या कहते हैं तो उस पर जो है उस दे बेसिकली टूक हिम डाउन थ्रू द लॉ नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट बट बिकॉज द फैमिलीज ऑफ द विक्टम्स इन सैंडी डिसाइडेड दैट गोना कम आफ्टर यू अंडर डेफिमेशन लॉज एंड अदर थिंग्स तो पाकिस्तान में होने चाहिए कानून इस पे डेफोमेशन पे पर्टिकुलरली इन हार्म के ऊपर बट अगेन शहजाद उस पर फिर मसला आ जाता है हम देखते हैं पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रैंडम आदमी ने गुजरा वाला में जाके पटिशन डाल दी हालांकि इंसिडेंट पिशावर में हुआ है तो अब वो बंदे पर एफ आई आर ए टी सी की चल गई um, या ब्लास्मी की आ गई या सिडिशन की आ गई तो द इशू आई वुड से इज़ नॉट सो मच द नीड ऑफ अ लॉ इट्स अबाउट

पावर्स लॉ कम आफ्टर मुझे citizen. नहीं समझ में आता कि किस तरह मैं चार साल से वही बातें कर रहा हूँ लेकिन जब वो मेरे से पोलर ऑपोजिट बातें करते थे तब भी मैं गलत था और अब जब मैं जो बातें चार साल से कर रहा हूँ वो करते हैं तब भी मैं ही गलत हूँ सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये 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 यूनिवर्स किस तरह चलता है बट इन uh, अच्छी बातों से शुरू करते हैं इवन उन्होंने सैड बातों से शुरू कर दिया uh, अभी मेरे पानी वाला भी आ, आ रहा होगा वो हर महीने जो नेस्ले की बॉटल आती है नाइनटीन लीटर हर महीने मुझे वो बोलता है दस रुपये बीस रुपये महंगा हो गया टिल लाइक लास्ट टाइम मैं उस दिन यार ये हर महीने कैसे हो सकता है मतलब कुछ ही हफ्तों में उसने मुझे कल रात नेस्ले का ऑफिशियल नोटिस ही भेज दिया कि भाई देख लें आप और वो इस दफा दस बीस भी नहीं हुआ कोई लाइक तीस चालीस रुपये एक साथ ही महंगा हो गया Yeah. So, <laughs> uh, महंगाई का रेट क्या है आई थिंकोलिंग नौ सौ रुपये किलो की गोल्डन चिकन अपेरेंटली थी लास्ट वीक इस हफ्ते बारह सौ की हो गई है तो थर्टी परसेंट इनक्रीज राइट देर एंड इट्स ये अब स्पायरल है ना दिस इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट सप्लाई डिमांड डायनाज नाउ रिलेटेड टू मनी फीयर होर्डिंग people not knowing the value of things anymore, which I since this came, this was my argument, that the Dar peg is dangerous, because you will begin going into a slide, where people will not know, the this coffee cup today, and how much it should because you have distorted the price signal, so unwinding unwinding, it always overshoots, because expectations do match, and in the situation Pakistan is in right now, um, इट्स अ स्लाइड क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन सरकार कहती है आज 700 मिलियन आ जाएंगे कल 500 आ जाएंगे फलाना हो जाएगा रेट को अब वो फिर मैनेज कर रहे हैं डॉलर की इंटरबैंक ओपन मार्केट के का गैप फिर बढ़ रहा है तो दैट लीड्स टू लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी लैक ऑफ़ कॉन्फिडेंस इट लीड्स टू पैनिक होर्डिंग ऑल द देर दीज आर नॉट आई वुड नॉट डिस्क्राइब दम एस क्राइम्स इन दिस मोमेंट इन टाइम बिकॉज द सिचुएशन

Um, उस पे द वे देर डूइंग इट वॉज बर्निंग रिजर्व मार्केट में आप डॉलर डालते हैं विच इज़ बेसिकली सप्लाई साइड इंटरवेंशन कह दें उसको कि शॉर्टेज है आपने डाल दिया उसको और um, शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आपने उसकी प्राइस सेट कर दी अब जो हो रहा है एंड मिफ्ताज रेजीम स्टार्टेड दिस लेट्स बी ऑनस्ट अबाउट दिस चैप्टर एटी फोर स्टेट बैंक ने लाया एल पे रिस्ट्रिक्शंस डाली उस जमाने में कहते थे वी था बट ना नो सच थिंग इज टेम्प्रेरी एवर तो उन्होंने डिमांड साइड को कर्ब करना लग दिया एल नहीं खुली okay. तो उसकी डिमांड जब डॉलर की आप कम कर देते तो ऑटोमेटिकली प्राइस आपने एक कर दी एक ज़माना था मुझे पता है ज़माना ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं कुछ सालों पहले ये लास्ट सेबर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर की बात है कि बैंक से स्प्रेडशीट जाती थी सेंट्रल बैंक के पास उस स्प्रेडशीट पे बैठ के सेंट्रल बैंक में एक टीम या लोग बैठ के उसको रिव्यू करते थे और कहते थे भाई आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि सौ लिस्ट आई है सौ आइटम्स हैं इसकी एल खोलनी है तो वो कहते थे इन बीस की खोल दो तो, अस्सी की रोक दो दैट्स हाउ द प्राइस वज बीग सेट एंड यू डिस्टोर्टेड द इंटायर इकॉनमी फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में ए चल रहा है इस ए के अंदर कई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स आते हैं अब आपने बीस आइटम्स छोड़ दिए है hmm. के ए के लिए लेकिन इक्कीसवा नहीं छोड़ा तो ए तो नहीं सेल हो सकता ना तो यू डिस्टोर्डेड द इंटायर कंडीशनिंग मार्केट दैट वे तो अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा हमने चिकन के अंदर देखा द दोएबीन वॉज स्टॉप्ड अभी बाजार में आप कहीं भी चले जाएं यू विल फाइंड स्मगल स्टाफ खेपियो के थ्रू जो आती है बट ऑफिशियल जो एलसी खोलने वाले हैं दे कांट गेट स्टफ इन राइट नाउ आई नो कि आप एक न्यू लिबरल इकोनमी बट यू यू आर अ फ्री मार्केट सपोर्टर तो येस मे बी केसेज ऑफ पार्ट्स ये सब एंड जब आप होते हुए देखते हैं कि यार रियल इस्टेट वालों की फैमिली के लिए रेंज रोवर आ रही है लेकिन कंपनीज uh, के लिए सामान नहीं आ रहा है तो देन यू डू रियलाइजी हो रही है बट अगर चॉकलेट्स और चीज़ मतलब मैं भी सरप्राइज़ था कि चीज़ की कितनी बड़ी इम्पोर्ट है पाकिस्तान में लाइक केम एज अ सरप्राइज टू मी एज वेल तो इस तरह की चीज़ें अगर आप शॉर्ट रन या मीडियम रन में बैन भी करते हैं आई नेसेसरीली अ बैड थिंग इट क्रिएट्स अ ब्लैक मार्केट ना अगेन द क्वेश्चन देन बिकम्स हाउ क्रेडिबल और केपेबल योर गवर्नमेंट इज टू एक्चुअली स्टॉप दोज थिंग्स चीज़ की इम्पोर्ट पर आपने ड्यूटी बढ़ा दी

They're thinking of shutting it down. Why? Because the product line that six months ago was available at 20,000 rupees is now 50,000 rupees. So the demand has been destroyed. So the import oriented business is shutting down and they're reconsidering something else. That's why a free market exchange rate works. द रनिंग ऑफ अ सोवियट एरा इकोनॉमी इन अ कंट्री ऑफ टू हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन पीपल विच इज़ वॉट दे डेड बाई कर बिंग इम्पोर्ट इज एक्सट्रीमली इन एफिशियंट क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रैट को कैसे समझाओगे कि यार इस कॉफ़ी के अंदर अगर आपने कॉफी आने दे दी अलाउड है इसेंशियल आइटम है लेकिन ये लिड नहीं आ सकती और ये पेपर कप नहीं आ सकता तो कॉफ़ी वाला कॉफ़ी तो नहीं बेच सकता ना अब ये लिड बनाने में और ये कप बनाने में इंडस्ट्री लगने में तीन चार छः महीने लगेंगे उस ओरिएंटेशन उस जमाने के अंदर What business? Ka? The firm will likely shut down, and we know from evidence uh, through even the pandemic debate in Europe and America and other parts. But even prior to that, in the Great Financial Crisis, a firm that shuts down is less likely to come back ever versus a firm that's reduced its sales and is still operating. Reduced sales, how is Exchange rate price is a signal, mm -hmm. right? you have off off off

बट आप पार्टस इम्पोर्ट कर रहे हो उनको असेंबल कर रहे हो और अस्सी अस्सी लाख की वो गाड़ियाँ बेच रहे हो जो यार मतलब खुदा का आप खौफ करो सो फॉर यू यू हैव द मार्केट, तो अगर आप कोई दे टू टू बी सम गवर्नमेंट इंटरवेंशन आप सेट कैसे करेंगे कि एक गलत तरीके गलत पर मेजर गवर्नमेंट इंटरवेंशन वो आप बोल दें कि अपने दोस्तों को नवाजने के लिए किया गलत पॉलिसीज के लिए किया जिसमें भी, भी किया कर दिया एक hmm. अब एक आपने एक मार्केट बना दी है जहाँ हम इम्पोर्ट रिलायंस है तो उसको फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट अगर इंटरवेंशन शॉर्ट टर्म करे नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग राइट इवन दो इन प्रिंसिपल फ्री मार्केट वुड वर्क नो बट इट्स सी अगेन अब थियोरी में नॉट नॉट अ बैड आर्ग्यूमेंट टू मेक राइट अगेन आई विल फ्लिप द आर्ग्यूमेंट यूर मेकिंग अबाउट द फ्री मार्केट के थीरी में चीज़ अच्छी लगती है एप्लीकेशन में पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए तो पाकिस्तान का फिर कॉन्टेक्स्ट यही है कि शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन एंड्स अप बीइंग अ लॉन्ग टर्म क्लेप्टोक्रेटिक इंटरवेंशन आपने आज इसको नवाजा आपने कहा मुझे इसको ठीक करना है इस डिस्टोशन को सरकार कोई और काम करती है वो वहाँ डिस्टोशन दस साल बाद हम कहते हैं क्या हो गया मोबाइल फोन असेंबली फॉर एग्जांपल इज अ केस पॉइंट सेम आर्गुमेंट बीइंग मेड इंपोर्ट सब्सटिट्यूशन हम असेंबल करेंगे क्या ना किया बंद हो गया ना अब क्यों इम्पोर्ट्स एलसीज रुक गई असेंबली प्लांट आर शट डाउन सिक्योरिटीज नहीं आ रहे मोबाइल फोन के असेंबल करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास राइट right? तो अब यू हैव टू थिंक थ्रू कि आपका कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है आपने माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देनी है इंडिया ने फॉर एग्जांपल ये किया लाइसेंस राज खत्म किया बट दे रिड वेरी स्टेप बाई स्टेप फॉर एग्जांपल इवन टू दिस डे रिटेल इन इंडिया इज ब्रॉडली क्लोज ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड रिटेल इन इंडिया इज ब्रॉडली क्लोज ऑफ टू फॉरिन इन्वेस्टमेंट दे बिन ट्राइंग टू ओपन इट अप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स फेल्ड अंडर द मोदी गवर्नमेंट टू समथिंग अगो कोविड के अंदर उन्होंने कोशिश की

यू डेड क्राइसिस मोड पॉलिसी मच ऑफ इट वॉज गुड बट अ लॉर्ड ऑफ इट नाउ वी लुक बैक एंड से वॉज़ बैड पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल आपने सेंट्रल पंजाब में कोयले के पावर प्लांट्स लगा दिए अब कोई भी पावर प्लांट लगाएगा तो वो कहेगा भाई एनर्जी सोर्स कहाँ है इसकी इनपुट कोयला पंजाब में तो नहीं है थर में से निकाल नहीं सकते उसको आपने रिगैसीफाई करके निकालना है तो वो पंजाब में तो प्रोड्यूस नहीं करेगी बिजली आप इंडोनीशिया से कोयला ला रहे हैं कराची में डॉक हो रहा है वो बगीज पे जा रहा है सेंट्रल पंजाब में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वहाँ आप उसको जला रहे हैं कि इंडिया से आ जाएगा जहां से भी इंडिया से भी नहीं आएगा ना अगर इंडिया में भी आएगा पंजाब में तो नहीं है ना इंडियन पंजाब में कोयला ट्रांसपोर्ट आपने करना है तो एनर्जी सोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड आर क्लोज टू सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ये मेरी एक आर्ग्यूमेंट अभी रिसेंटली हो रही थी विद बिजनेस जर्नलिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड दैट इज बिग इंडस्ट्री लॉबी इन पंजाब अपोजिंग द एंड ऑफ यूनिफॉर्म टैरिफ्स ऑन गैस You look around the world and gas tariffs vary by region. For example, in California, the tax tariff for electricity and natural gas is roughly 2x, maybe a bit more than Texas or Louisiana. Why? Texas and Louisiana have their own sources of energy. California does not. And so they pay more. Pakistan, mein, Punjab pays the same rate on gas, or that's the industry's demanding, that This industry will be because our tariff is now higher than that of Sindh industry. But Sindh gets its own gas. सुई हैड इट्स ओन गैस लेकिन वहाँ आपने इंडस्ट्री नहीं लगाई जो में नहीं मिलती थी हाँ वो पंजाब में रही थी।, थी हाँ सही है ना तो वो आपने यूनिफॉर्म टैरिफ करके क्या हुआ आपने मार्केट डिस्टोर्ड कर दी क्योंकि ओरिएंटेशन इंडस्ट्री की उस तरफ होनी चाहिए जहाँ एनर्जी सस्ती है और वो उस हिसाब से बनाए और जहां एनर्जी महंगी है वहां वो कम्पीट करें थ्रू एफिशियंसी दैट्स आई कैलिफोर्निया सो मच मोर एफिशियंट इन इट्स इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड कार स्टैंडर्ड्स है बिकॉज दर एनर्जी यूरोप इज वे यहाँ पे वैसे हम छोटी छोटी चीज़ों पे इस तरह पागल हो जाते हैं टाइम पीपल कैलिफोर्निया में आप अपने ग्रास को पानी नहीं दे सकते हाँ huh. शॉर्टेज है तो शॉर्टेज है बट लाइक सम हाउ यहाँ जो हमारी लीट है आज ही अली हस्तैन से कोई आर्ग्यू कर रहा था कि गोल्फ़ कोर्स थोड़ी मसल है गोल्फ मतलब एटलीस्ट लेट दीपल ब्रीज गोल्फ कोर्स होने चाहिए ज़ाहरी बात है कोई रिटायर्ड साहब थे अब इनसे ये बात करना कि भाई golf course is not where the yeah. masses of pakistan are breathing or have some space it's uh, uh the the optics of a golf course in pakistan are disgusting and the optics of the golf course by the way in california when this issue happened um were bad too because california law and their golf courses had negotiated a deal where they had preferential access to water or something like that and the government could not renege on that contract right so a lot of people were upset rightfully so यार मेरे घर में महंगा पानी आ रहा है आप कह रहे हो मैं अपने घर में लैंडस्केपिंग नहीं कर सकता लेकिन पड़ोस में गोल्फ कोर्स जो है वहाँ तो 24 घंटे शावर हो रहा है ग्रास इज ग्रीन ओवर देयर व्हाई नॉट द इशू ओवर देयर तो होना चाहिए दिस इशू कम्स अप इन प्लेस लाइक द यूनाइट स्टेट्स एंड यूरोप एंड जपैन एवरीड कैप्चर इन सम वे शेप और फॉर्म यू विल सी इफ यू स्टडी इट क्लोज इनफ बट दिस आर्ग्यूमेंट इन पाकिस्तान जैसे आई थिंक वी वी टॉक्ट अबाउट दिस ऑफलाइन लाइन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड दिस लाहौर जिम है उसका पाँच हज़ार रुपये पाँच हज़ार रुपये सालाना पचास साल की अग्रीमेंट थी दो हज़ार में इंटर हुई दो हज़ार पचास तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था सिर्फ पाँच था। पाँच हज़ार रुपये उस ज़माने के और आज के पाँच हज़ार आप कंपेयर कर लें फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया रियल इस्टेट में काम करता हैं मैंने कहा यार हिसाब बताओ कितना बनेगा इसका तो उसने कहा तकरीबन तीस करोड़ महीने का रेंट है इस प्रॉपर्टी का अगर आप कंपेयर करें लाहौर के रेंट्स को तो उस तीस करोड़ महीने से आप छः हजार रुपया पंजाब के पचास हजार बच्चों को दे सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए होना चाहिए लाहौर जम खाना मैं मना नहीं कर रहा लेकिन आप फिर उसकी वैल्यू उस लैंड की प्रॉपर्ली सरकार को पे करें इस्लामाबाद की क्लब की वैल्यू आप सरकार को पे करें प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू अगर आप नहीं करते तो देन इट्स अ प्रॉब्लम एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल नीड टू रियलाइज जिम खाना जिनका चलो कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा प्रॉब्ली डी एच ए गोल्फ क्लब का तो नहीं वो तो रिक्लेम्ड जमीन है ना सर वो तो अपनी है ना आ, अपनी है। ए, अपनी जमीन बिल्कुल <laughs> तो उस पर जो है वो आप बहस कर ही <laughs> नहीं सकते <laughs> तो अगर आप होते जिस तरह सब हम एग्री करते हैं कि दार अ डिज़ास्टर उन्होंने तबाह कर दिया बट अ लार्ज पार्ट जो हमारे दोस्त हैं ग्रुप्स में भी उन वो, वो एक्नॉलेज नहीं करते कि दिल भी लाइक अच्छा नहीं 2017 में क्या अभी 2017 को ज़रा साइड पे रखें अभी का जो मसला है

um, when the vote of no confidence and government, i, i actually did, you know, exchange views with mifta on this, and he had asked a lot of people for their input, and our view, at least collectively, dr. astan Mar others that i was in touch with, was like the prime minister should go on day zero to basically reverse the terrible subsidy, and, what I called in this again neoliberal side, pe, it's a term that maybe I should not be using because it's a very political term now given the literature on it. But my idea was you need to go for shock and awe reforms. That you have a week to come in front of the people of Pakistan and say, look, we are staring into the abyss. Hamara default hone wala hai, no matter of when, not if. Any other things we're doing? पेट्रोल हम्स ख़त्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के टैरस अफर्ट्स एडजस्ट होने हैं वो हम कर रहे हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स टू नॉट ऑस्टेरिटी ऑफ दिस टाइप के अस्सी लोगों का काबीना गाड़ी नहीं चलाएगा वो वाली ऑस्टेरिटी नहीं एक्चुअल ऑस्टेरिटी इस पर गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिजिट कर किया जाए मॉनिटरी पॉलिसी टाइट होगी कोऑर्डिनेटेड आप अगर छः सात आठ दिन इज रिमाइंडेड मी माई व्यूअर्स इन माई यंग डेज इन कॉलेज 2008 का क्राइसिस हुआ तो आई वेरी Clearly, remember the Obama strategy, right? Which people criticized because it was a bit that even was a bit slow, but there was a very good strategy to stabilize the American economy and, by extension, the global economy. Was that you have a week or ten days to build credibility, and if you do this voluntarily, your creditors will see that you mean business, and the money will begin flowing in because there's a legitimate path to reform. On the political side, the pushback you would get is. कि ये पॉलिटिकली फीजल नहीं होगा खान दंतनाता फिर रहा है वो ये तो ये आपने वो। भी जो एग्जांपल दी ओबामा कम्स इन ऑन दिस वेव ऑफ होप एंड चेंज उनको मैंडेट मिलता है यहाँ पर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है सुप्रीम कोर्ट में केस है खान साहब से ये तो अमेरिका से अमेरिका लेकर आया है फॉरन साजिश है जिस पे बैक ऑन इट उस वक्त इमेजिन राइट लाइक एक तरफ खान कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश है शबाज श्रीफ विक्रम प्राइम मिनिस्टर ओत लेते हैं और बोलते वो वो हैं अब पेट्रोल प्राइस डबल हो रही है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डबल हो रही है एंड खान साहब इज ऑन दीट्स विद एवरीबडी लाइक दोलिटिकलिटी जो आपको जिन्होंने आपको इनबल किया है बाई बी

Argument, मैं, right? मुझे किसी ने मैसेज किया दे hmm. सेड कि यार मैंने आपकी बात हमारे फैमिली में की और दोस्तों में की और उन्होंने मुझे बोला कि कमाल है तुम पहले बंदे हो जिसने हमें बोला है कि फ्यूल सब्सिडी बुरी थी एंड आई वाज लाइक तुम पहले बंदे हो जिसने मुझे बोला है कि फ्यूल सब्सिडी अच्छी थी अच्छी थी सो वी लिव इन दिस इज जॉब वाई यू द प्राइम मिनिस्टर अगर आपने शेरवानी पहन के टूअरी करने हैं दुनिया के तो फिर तो नहीं ना आपने पार्लियामान में एम्पावर करना है दैट्स वट्स एटलीस्ट द एक्सपेक्टेशन शुड भी फ्राम पोलिटिकल लीडर्स इन पाकिस्तान दैट दे स्टैंड इन पार्लियामेंट एंड डिलीवर देर परस्पेक्टिव ऑन वट्स गोइंग रॉन्ग एंड एक्सप्लेन टू द मासेज एंड एंगेज विद यू एन आई कॉन्ट उनका जॉब उनकी जॉब है ये अब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं इनको डिफेंड कर रहा हूँ इस हैज़ बिन अ डिजास्टर उसने इकॉनमी तबाह कर दी है मुझे नई पैसे मिल रहे प्लीज़ <laughs> अगर वो पाँच साल के लिए आते तो यस आई आई एग्री विद यू बट इन अ केस वेयर देर लाइक अच्छा गवर्नमेंट रहनी है या हफ्ते में हमने छोड़नी है उसमें ये डिबेट इज मतलब इमेजिन दिस राइट खान साहब लाइक अमेरिकन साजिश है दे कम इन डेढ़ लाइक प्राइसेस सारी डबल हो गई हैं उसके बाद वो नैब रिफॉर्म करें और फिर हफ्ते में बोले इलेक्शन है तो उनका तो हाँ, ही नहीं, नहीं, नहीं तो उसमें भी अगेन सी दैट अगेन इज अ फेलियर ऑफ स्ट्रेटजी ऑन द पीडीएम साइड राइट आप फैसला करके ही नहीं आए आपने करना किया है

Historically we know this from credit crises around the world that within the six to eight month cycle, nine month cycle, max a year, everything stabilizes. Price upward is just at plateaus, inflation base effect, hai, people keep wages upward 30 year just, spend kam ho jata hai, you stabilize the economy. My argument to them was that if your intent is to finish your term, which is what they would continue to say, which means August twenty twenty three. If that is the intent, then move very quickly now in twenty twenty two because by then, in Jan feb, you would have stabilized the economy, delivered a pretty decent budget, and made a case to the people again, assuming that you have been engaging with them throughout this process. But again, they hesitated for various reasons, including Khan's popularity, which they did not plan for, including their own fights internally. the establishment, instability cost आपकी जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है ठीक है अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ब्लैक एंड वाइट था यही आना था और कोई लॉ की इंटरप्रिटेशन हो नहीं सकती थी उसको ऑलमोस्ट सीम्स लाइक ऑफसेट करने के लिए सिक्सटी थ्री ए की री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दी पंजाब में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं मतलब आई आई थिंक पाकिस्तान में सबसे आसान काम है पॉलिटिशन को गालियाँ देना तो कभी कभी मुझे बहुत तनकीद होती है कि तुम तो अपोलॉजिस्ट ही हो बट आई एम लाइक यार इतने लोग गालियाँ दे रहे हैं एटलीस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड What situation they're in and the calls that they made according to the situation, I would say largely good. Yeah, had they stayed on that path, they would have been sitting pretty ahead of elections right now, and that's the, that's the political failure of the Sharif family itself, right? Because the Sharif family did not realize

um, his reimagining Pakistan tour again. My point is, it's very easy to do that tour when you're out of power. He should have been doing it as finance minister. Time to i that someone should have done it. They did not do it, and the internal dynastic ye hota hai na. Dekho Shazaad, this is a comical thing. In, in it's a tragic comedy in the sense that we are in Pakistan watching. बंटवारे की लड़ाई इन एटलीस्ट टू डायनेस्टीज ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स राइट नाउ द द इलाही फैमिली फैमिली एंड शरीफ लाइक मुझे इसका जवाब नहीं है मेरे पास तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी जेन्यन राय यही है कि बस इसक दार उनका फैमिली वाला है तो फैमिली ब्लड इज देन वाटर टू मी इज दैट

वो फंडामेंटली बकवास इकोनॉमिक थीरीज़ बिलीव करते हैं अभी लॉजिक क्या है मरियम नवाज़ की उसने इंटरव्यू दिया तो क्या लॉजिक इस्तेमाल की कि ठीक है उन्होंने कोशिश की आईएमएफ से बात करने की अगर वो कोशिश ना करते तो हम हम तो कोशिश कर रहे थे अवाम को रिलीफ दिया जाए तो हमने कि हम नाकाम हुए लेकिन हमने एटलीस्ट कुछ तो दिखाया ना कि हम कर सक हमने पूरा एफर्ट दिया तो सक्सेस है वो ये लॉजिक जो है This is a logic. Because your goal, your Maryam Nawaz, sitting in London for months, by the way, in a city which has the global financial elite sitting there. If you actually wanted to learn and prep yourself to be Prime Minister of a country facing an economic, the worst economic crisis, the worst crisis to social cohesion since 1971, in my view, you would have been sitting in lectures at LSE, at Oxford, at Cambridge, bringing to London. All the eminent Pakistani and non-Pakistani economists and political economists and other researchers to help educate you। मतलब ये चीज़ें तो तब होती है जब आपके पास नहीं होता आपके पास एक मिफ्ता है जो सही काम कर रहा है उसको करने करना तो अगर है भी मिफ्ता, तो मिफ्ता के अराउंड आपने अपनी तो कैपेबिलिटी बढ़ानी है ना समझने की कि ईशू है क्या लेकिन आप क्या करें आप इसहाक डार के साथ बैठे हुए हैं एक अकाउंटेंट के साथ जो हेरा करता है

डायनेस्टी का क्लोज हिस्सा नहीं है वो इसलिए भी इसका हिस्सा है क्योंकि डार फैमिली ने इसाक डार और उनके बच्चों ने शरीफ डायनेस्टी को अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं बाहर और अंदर पाकिस्तान के तो वो समझते हैं कि अगर इन्होंने हमारे लिए पैसे बना के दिए तो जाहिर सी बात है मुल्क के लिए भी पैसे बना के देंगे और वो जब कहता है हम रिलीफ देंगे आवाम को चार रुपए की पेट्रोल प्राइस कट की और अनाउंस किया अब पेट्रोल की प्राइस अभी भी पाकिस्तान में इंडिया से सस्ता है बाय द वे पेट्रोल मैं मुंबई से होके आया हूँ और वो प्राइस कट दी उसका हिसाब क्या बनता है आर्ग्यूमेंट क्या दी आवाम के लिए रिलीफ है अगर आप मैथ करें तो मीडियन हाउस होल्ड इनकम एक ऑर्डनरी घर की आ, म, महाना तनख्वाह पाकिस्तान में तीस हज़ार रुपये लगभग बनती है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उसका अगर आप एनर्जी कंजम्पन उसके ऊपर ओवरले करें तो ये जो पाँच रुपये का कट दिया था जो उन्होंने बड़ी शूशा करके रिलीफ रिलीफ किया वो बनता है ढाई नान महीने का इन टर्म्स ऑफ द एवरेज मीडियम कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पेट्रोल फॉर अ मीडियन हाउस होल्ड इन पाकिस्तान आम शहरी के लिए ढाई नान महीने के छः से सात लोगों का एक घर होता है पाकिस्तान में ऑन एवरेज तो आपको तो क्वार्टर नान आप अगर घर में तो इस रिलीफ से आपको मिल गया लेकिन अगर आपके पास टोयोटा करोला है या आपके पास लैंड क्रूजर है अगर हैं तो आपके लिए ढाई नान बनता है तीन नान बनता है चार नान की सेविंग होती है तो ये रिलीफ आवाम के लिए नहीं है ये बात भी हमें इंगेज करना है लोगों से समझाने के लिए कि जो आपको चीज बताई जाती है कि रिलीफ है क्योंकि हमने कीमतें सस्ती कर दी एक तो ये आपको उसका मिलता नहीं, नहीं, नहीं है चेंज द प्राइसेस के यार इंडस्ट्री नहीं बट वो भी तो पर, वो भी तो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं राइट नहीं हो सकता आप डीजल सस्ता रख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल आप महंगा कर सकते हैं बट इवन देन उसमें ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाएगी वगैरह वगैरह तो आप कैश ट्रांसफ़र अगर करें तो इट्स मच बेटर कि आपने जिनको ज़रूरत है पैसे की आपने उनको डायरेक्ट परचेसिंग पावर हमारी इंडस्ट्री को भी आप फायदे मतलब कम ही दे दो तो। हाँ सत्रह साढ़े सत्रह अरब डॉलर दिए जाते हैं यार अशराफिया को इस मुल्क में बिच इज़ दो साल का अशराफिया का जो बजट है इस मुल्क का वो आपके पूरे कैटेस्ट्राफिक फ्लड्स के लॉस एंड डैमेज को पूरा कर सकता है और ये आर्ग्यूमेंट मेरी लोगों से होती है अभी पाकिस्तान आर्ग्यू कर रहा है हमारे यहाँ सैलाब आ गया दुनिया को मेरे बिल्कुल करनी चाहिए सर हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है दुनिया पैसे दे हमें, बिल्कुल देने चाहिए आपकी अपनी आप ग्लोबल ए से पैसे मांग रहे हो आपकी अपनी इलीट कुछ देने को तैयार नहीं है कुर्बानी तो ग्लोबल एलीट भाई वो क्यों उधर भी हालात ख़राब हैं सो यूरोप में देख लें ले, यूके मतलब में देख लें क्लाइमेट चेंज तो उनकी वजह से है हाँ देने चाहिए और रेपरेशन का केस बनता है लॉस एंड डैमेजेस का क्लेम बनता है बट अगेन लेट्स बी रियलिस्टिक द वर्ल्ड विल फर्स्ट से कि भाई आपने क्या रिफॉर्म किया है अपने मुल्क में चलाव के बाद कुछ हुआ है यू लिव हियर आई डोंट आई हैवन सीन एनी मेजर लाइक प्रोग्राम टू मेक पाकिस्तान मोर रिजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज सो फार आफ्टर अ डेवस्टेटिंग फ्लड दैट डिस्ट्रॉयड 33 मिलियन दिस इज अगेन मतलब uh, कभी अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं मेरी पोजीशन uh, मैं कोई शरीफ जरदारी करप्शन डिफेंड नहीं करता माई आइडिया कि आप लोग सबको उल्लू बनाया गया है ये बोल करके शरीफ और जदारी अपने पेट में हज़ारों अरब लेके चले गए आपकी फाइनेंशियल लीड आपकी ब्यूरो लीड आपकी पोलिटिकल लीड इन सब मिलटरी लीड सब ने मिल किया है सो so इवन आपके जो पॉलिटिशन्स हैं मतलब वो ट्रेडर्स पे तो टैक्स लगा नहीं सकते आपको लगता है कि वो मियाँ मंशा अखिल करीम डैडी है इनको कुछ भी रियाज इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं हैं। लगा सका ट्रेडर्स पे टैक्स भाई फेल्ड

इवन तो नहीं है खुद के भी इनको बिजनेस एम्पायर चलाने हो भी तो भी नहीं कर सकते बिकॉज इवन द मीडिया इज़ ओन बाय दीड तो अगर ये कुछ इस तरह का टैक्स लगाएं जो एक्चुअली इज़ गुड वो मीडिया में इस तरह दिखाया जाएगा कि बस वो बर्बाद हो रहा है सब कुछ यू नो नोर ऑन पॉइंट एंड इन फैक्ट अभी आई बीन रीडिंग दिस की किताब राइज एंड फॉल इसीलिए तुम लोगों को बोलते रहते हो कि दुनिया तबाह होने वाली है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो क्योंकि वो भी यही बोलता रहता है वो यही बोल रहा <laughs> है वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव में बोलता हाँ। है बट इट्स बीन वेरी फैसिनेटिंग टू रीड हिज वर्ल्ड व्यू राइट बेस्ड ऑन हिज रीडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड उसमें उससे एक इंटरेस्टिंग इस किताब में बात लिखी कि क्राइसिस और प्री सिविल वॉर रेवोल्यूशन या डिसंटीग्रेशन का जो फेज होता है किसी भी मुल्क के अंदर उसके कोई टेल टेल साइंस होते हैं उसे तीन चार बताए जो so मुझे याद आपने है पोस्ट किया अभी हाँ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होती है एक वाइडनिंग वेल्थ गैप होता है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव्स नॉट एक वाइडनिंग वैल्यूज गैप होता है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव्स नॉट यू कैन से इट इट्स सम People believe in right-wing BS. Others are neoliberal elites or whatever you want to call it. There's a values gap in society. Sri Lanka. Pakistan. Polarization And in that situation, the policymaker just does not have the space or the wherewithal, even with the best of intentions, to pull off the right thing. You are basically, Pakistan in my view is in that descent right now. If you Kal.

जहाँ आप आ चुके हो मेरे दोस्त कहता है कि अब बेसिकली रॉक बॉटम हिट करके ही ऊपर आएंगे मैंने कहा रॉक बॉटम हिट करने के बाद जिंदा भी रहेगा पेशेंट के नहीं ये अलग सवाल है तो क्या होगा आई डोंट नो वी डोंट वी कान प्रडिक्ट राइट क्योंकि देखो एक हम कह सकते हैं कि ठीक है कुछ कई ममालिक में ऐसा होता है क्राइसिस एंड दे रिकवर एंड दे रीबिल्ड एक एक्पल ऑफ दिस इज द आंसिया इन फ्रांस कॉलेप्स हुआ रेवोल्यूशन आई रेन ऑफ टेरर हुआ रिकवर्ड फ्रांस इज़ अ वेरी गुड कंट्री राइट नाउ टू लिव इन वन इज़ चाइना कल्चरल रेवोल्यूशन आता है माओ डिस्ट्रॉयज द होल कंट्री बट ही स्टिल द स्टेट्समैन फ्रीडम लीडर एसेट्रा बट वो मरता है तो डेंग शाओपिंग डिसाइड्स के भाई द गोल इज टू रिकवर फ्रॉम दिस एंड चाइना इज चाइना टूडे बट ज़रूरी नहीं है आप इस राउट पर जाएँ साउथ कुरिया फॉर एग्जाम्पल डिड दैट इज़ वेल थ्रू अथॉरिटेरियन रूल सिंगापुर विथ लीक यू डिड समथिंग सिमिलर बट फॉर एवरी साउथ कुरिया देर इज़ ऑल्सो नॉर्थ कोरिया फॉर एवरी आसियन रिजीम फ्रांस दर इज़ ऑल्सो लेबिया तो वी कॉन्ट प्रडिक्ट वेयर दिस थिंग गोज़ इट विल अल्टीमेटली आई थिंक डिपेंड ऑन पहला तो किलेक्शन होता है कि नहींक्शन मुतनाज़ तो होगा लेकिन उसके बैकड्रॉप में कितनी सिविल लिबर्टीज कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बचा कुचा रह गया है वो और कितना तबाह होता है क्योंकि माई हाउ पोथिस मुशरफ जो पॉलिटिकल कॉम्पैक्ट था ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है अब आपने कोई नई चीज़ बनानी है इस मुल्क में एज अ पोलिटिकल कॉम्पैक्ट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पैक्ट पोलिटिकल कॉम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी टाइप एक नहीं हो सकता आई मीन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अ गुड थिंग उसको मतलब लिटरली अभी जब मुशरफ की डेथ भी हुई लॉट लॉर्ड ऑफ़ पीपल उस साइड के मुशरफ बहुत अच्छा आदमी था बस एक काम उसने ख़राब किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड आई वॉज जस्ट लाइक ये बड़े लिखे लोग बातें कह रहे हैं सो टू इमेजन के इमरान खान विल सिट द अदर पार्टीज़ एंड कम अप विद द चार्टर डेमोक्रेसी ये तो नहीं हो सकता बट शहजाद देखो इसके अंदर अगेन थोड़ा हम टीटीपी को भी इंक्लूड कर लें डेमोक्रेसी चार्टेमोक्रेसी में बट इसमें भी हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा सा लेना चाहिए इट्स वेरी इजी टू गेट कॉट अप इन द डेली ग्राइंड ऑफ इट राइट स्पेशली व्हेन फॉलोइंग एटलीस्ट फॉर मी इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस यू आर फॉलोइंग डे बाय डे बट हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अगले mm -hmm. 10 साल में यू विल बेसिकली सी द डेथ ऑफ द एग्जिटिंग पोलिटिकल लीडरशिप In this country. There will be a generational shift in Pakistan or whatever Pakistan looks like over the next 10 years. So we should Hamara goal, at least my view on this, is many um, economy analyze or political economy closely study, analyze karna those are which again going to your point uh, about ke, कहाँ से यू नो समाइम्स पी टी वाले अब हमारी साइड पे आ गए हैं या कुछ चीज़ों में हमारी बात मानते हैं मैंने शुरुआत अपना करियर एनालाइज किया था डार को क्रिटिक करने पे फ्राइडे टाइम्स में छपाता वो आर्टिकल फ्राइडे टाइम्स जो समझा जाता है पटवारी पब्लिकेशन वहाँ से शुरू किया था मैंने माई मेर वॉज ए एंड आई थैंक मी दैट अपॉर्चुनिटी हमारा गोल होना चाहिए टू इंगेज विद द मास टू एन एक्सटेंड दैट ये जनरेशनल शिफ्ट जब आए तो शायद ये जो ककू आइडियाज हैं दे डाई विथ इट एज वेल दे डाई विद द क्राइसिस दिस इज़ दी ओनली सिल्वर लाइनिंग मे बी शायद ना हो प्रॉब्ली ना हो अगेन एज आई सेड कि फॉर एवरी फ्रांस देर इज अ लेबिया देर एवरी साउथ कोरिया इज अ नॉर्थ कोरिया मे बी डजेंट हैपन बट दैट्स द ओनली वे टू इंगेज बिकॉज नियर टर्म में तो इस क्लास ऑफ लीडरशिप से उम्मीद रखना बिल्कुल ही मतलब स्टूपिड सी चॉइस है अगर किसी को उम्मीद है इस पोलिटिकल क्लास से इस इलीट क्लास से नॉट जिस पोलिटिकल क्लास लेटी क्लियर तो आई थिंक यू नीड मुझे चाहिए वो माल जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बहुत महंगा हो गया आई थिंक दैट प्रिसाइसली इज द प्रॉब्लम कि जो इलीट पॉलिटिक्स है दे वोट डिलीवर बट कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है तो द रीजन मुझे चार्ट डेमोक्रेसी अच्छा लगता है दी आइडिया वॉस अच्छा चलो यार आप दोनों ले, ले लें अपनी बारियाँ बट थिंग्स विल दैन प्रोग्रेस थिंग्स विल गो बियॉन्ड नवाज शरीफ एन पी 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 एन पी एम एल एन क्योंकि आपने एक पोलिटिकल स्पेस बना दी है और सबको पता है कि यार ये एवेन्यू अवेलेबल है उसको अंडू करना विद द हाइब्रिड रिजीम आपने वो स्पेस भी बंद कर दी एंड नाव वे आर बैक टू दैट स्पेस वेयर अच्छा पी 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 एम एल एन फिर बारियाँ ले लें फिर वापस वो स्पेस जनरेट होगी सो एक्सपेक्टिंग दैम एंड आई नो लोग आपसे नाइन्टी नाइन फीसद अग्री करेंगे कि जिस तरह रिकी जवेस भी ये जोक करता है कि जो बिलीवर्स होते हैं उनमें और मुझ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैं एक और गिन लेता हूँ तो उसी तरह लोग बोलते हैं कि सब ऐसे हैं बस खान नहीं है हम खान को भी उसी में गिन लेते हैं क्योंकि वो वही पार्टी है वही लोग हैं जो सालों साल पी 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 एम एल एन में मतलब चौधरी परवेज इलाही आपका प्रेजिडेंट है पार्टी का तो एक स्नो वाइट ड्राई क्लीनर की जबरदस्त प्रोडक्ट या आपने स्नो वाइट किसी और चीज़ को बोला है आपने कुछ और बोला कैंसिल करें इनको सो सो दे देट डिलीवर सो बेसिकली लोग इमिग्रेशन ही कर लेना और क्या करें यहाँ से वही कर रहे हैं जो निकलने की <laughs> कोशिश कर रहे हैं अगेन दैट्स द स्पायरल राइट ये अगेन री डालियो इस बात को री इंगेज करता है री इन्फोर्स करता है कि जब ये क्राइसिस मोड आता है तो लोग अपने एसेट्स हार्ड एसेट्स की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं विच इज़ इकोनॉमिकली बैड हम पाकिस्तान में देख रहे हैं सब ने डॉलर गोल्ड बिटकॉइन जो हाथ में आ रहा है रुपए के अलावा सब लेके रखा हुआ है इन लोगों ने ये किया है <laughs> जिनके पास है कुछ <laughs> जिनके <laughs> तांक पास, तांक पास तांक कुछ है कन्वर्ट uh, करने के लिए उन्होंने कर लिया है कन्वर्ट अब वो बाहर लेके जा रहे हैं तो वो कै... उसमें किताब में वो लिखता है कि जब ये होने लगता है तो सरकार कहती है हम लिमिट्स लगा रहे हैं स्टेट बैंक ने लिमिट लगाई हुई है रेमिटेंस जानी रही बाहर प्रॉफिट जानी रहे बाहर लोग कैश लेके जाए तो कस्टम्स पे रोक लेते हैं ठीक है तो फिर क्या करते हैं लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो भी हो रहा है पे हाँ, आप, तो वो जो स्पायरल uh, लोग छोड़ने लग जाते हैं फिर वो आपको जनरेशनलीट बैक कर देता है बिकॉज अगेन मॉडर्न इकोनमी को रन करने के लिए यू नीड गुड टैलेंट अक्रॉस द बोर्ड और आपके रीजन के अंदर इस वक्त सऊदी अरेबिया रिफ़ॉर्मिंग द यू एज अभी मैं दुबई से आया तो एक दोस्त से बात हुई दोस्त तो ने कहा कि दुबई में आ, जो उनकी गवर्नमेंट है वो फूड फेयर चल रहा था गल्फ फ़ूड फेयर तो वहाँ वो पाकिस्तानियों को जब रजिस्टर होता था तो डायरेक्ट मैसेज इंगेज करते थे कि इफ़ यू वांट टू रीलोकेट योर बिजनेस इनटू द यूएई प्लीज़ कांटेक्ट अस वी विल गिव यू एक्सेलरेटेड फैसिलिटीज़ टू कम इन एंड सेट अप शॉप हियर सही बोलते हैं ना कि आलमी दुनिया पाकिस्तान को तबाह हाँ। करना चाह रही है ताकि हमारा बेस्ट टैलेंट हमारे दुनिया के लिए कम्पेरेटिव फील्ड है अच्छा जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करो वहाँ इनके वैसे ही लगे हुए हैं तो वो अगर निकलना चाहते हैं तो सॉब बिस्मिल्ला वो यहाँ आएंगे काम करेंगे फिर हम सेलिब्रेट करेंगे कि ओहो नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेमिटेंस इज रिव्ड कल्चरली लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार ये तो बस अनफिक्सबल है पाँच दस साल चाहिए आप वो सही डायरेक्शन चीजों को दे दें वो सब सही हो जाएगा सो इकोनॉमिकली स्पीकिंग शॉर्ट टर्म में रिलीफ एक्सपेक्ट करना या शॉर्ट टर्म में मिरिकल्स एक्सपेक्ट करना तो स्टुपिडिटी है अनलेस हम एरिक टेन हाग को हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बना दें ईपीएल माइकल आर्टेटा इज बेटर माइकल आर्टेटा तो कीयर्स एरिक टेन हाग हैज डन मैजिक इन लाइक मंथ्स लीग में क्या पोजीशन है सक

तो सोचो ना तैमूर रहमान हमारे लिए जान शाहराम अजहर पी टी वी हैं बंद ये तो नहीं हो सकता ना वट डज इट लुक लाइक जस्ट एल मी के यार आइडियल सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को अभी भी आ, ये जो खाई की तरफ जा रही है बस उसको यू टर्न लेना है क्या करें यार तीन चार चीज़ें हैं बड़ी बेसिक सी देर नॉट रॉकेट इट्स नॉट रॉकेट साइंस टू सॉल्व द इज अ वेरी द ट्रेजिडी विद पाकिस्तान इकानमी इज़ के इसका सोल्यूशन जो है वो इतना मुश्किल नहीं है द बर्डन इन फैक्ट ऑफ दैट सोल्यूशन हैज़ टू बी बोर्न बाय द फ्यू नॉट द मैनी विच इज़ ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ द रिफॉर्म इट तो आप शुरू करो फॉर एग्जाम्पल रीस्ट्रक्चरिंग और टैक्स कोड से यूरन सरकार आपकी फ़िजकल डेफिसिट रन करती है उससे कर्ज़े लेती है फिर चलाती है मुल्क उससे इन यू नो इनकम्स हाई अप करती है उससे फिर इम्पोर्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह आप सिर्फ़ रिटेलर्स को टैक्स नेट में ले आएँ रियल इस्टेट पर टैक्स लगा दें एक्चुअल ठीक है actual, उसी दिन गवर्नमेंट गिर जाएगी गिर मैं तो आप तो कह रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए तो को बोलना चाहिए था सबसे पहले मिलिट्री इंटरवेंशन खत्म कर दें पॉलिटिक्स से वो वो भी ज़रूरी अगेन वो तो फंक्शन है ना रियल इस्टेट टैक्स रिफॉर्म की बात ही उस वक्त आगे चलेगी हाँ। जब हाँ। वो पॉलिटिकल रोल ख़त्म हो जाएगा ठीक है ना तो उसके बगैर तो हो नहीं सकता तो ये दो चीज़ें आपका फिजिकल कंस्ट्रेंट थोड़ी सी कम कर देंगी इनफैक्ट रिड्यूस योर बोरोइंग एज वॉल फिर आप आ जाते हैं आपकी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की तरफ आपने सब्सिडीज दी हुई हैं उन सेक्टर्स को जो ग्लोबली अनकम्पेटिव हैं आप उनको रिट्रैक्ट करें ओपन अप योर मार्केट शुगर शुगर हो गया ऑटोमोबाइल्स nice. हो गया आपका ओवरऑल इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की जो पॉलिसी है जहां आप प्रोटेक्ट करके इंडस्ट्री को चलने देते हैं जो ग्लोबली कंपेटिव नहीं है आप उसको करें तो दैर विल इंसेंटिवाइज एक्चुअल फ्लो ऑफ कैपिटल इन टू वेयर योर कंट्रीज़ मोर कम्पेरेटिव विच इट इज़ इन अलॉट ऑफ प्लेस तीसरा इशू आपका एग्रीकल्चर है ये कल मेरी रात को दोस्त से बात हो रही थी वो कहता है पाकिस्तान का अभी भी जो मिनिमम वेज है इज हायर दैन इंडिया और बांग्लादेश डिस्पाइट द डिवेल्यूएशन इन डॉलर टर्म्स तो मैं उसको कहा इसकी एक रीज़न है इसकी सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं इस मुल्क में या लोग आपको ज़्यादा पैसे आम शहरी को देना चाहते हैं उसकी रीज़न ये है कि आपका फ़ूड पॉलिसी फ्रेमवर्क ब्रोकन है आम शहरी पाकिस्तान में क्या खाता है दाल रोटी दाल रोटी का एटी परसेंट प्लस कंपोनेंट जो है वो इम्पोर्टेड है मुझे भी रिसेंटली पता चला कि हम दाल भी इम्पोर्ट करते हैं पाम ऑयल भी इम्पोर्ट करते हैं तो दाल फ्राई में असल घी तो नहीं डलता आप एटलीस्ट ढाबे वाले में पाम ऑयल डलता है तो दाल फ्राई में दो कोर कंपोनेंट्स वह हैं उसकी जो गैस जलती है सुई से तो अब बिल्कुल कम ही आती है उसमें मिक्स एल एन जी का या एल पी जी आ रही है ठीक है और सिलेंडर लगाया हुआ है रोटी बनती है रोटी आप थोड़ी कमा उगा लेते हैं गंदम लेकिन वीट भी आपको अब थोड़ा थोड़ातर इम्पोर्ट करना पड़ता है उसकी गैस तंदूर की वो भी इम्पोर्टेड है तो एट्टी प्लस परसेंट जो आम शहरी का खाना है वो इम्पोर्टेड है इसलिए उसको ज़्यादा इनकम आप देते हैं कंजम्पशन साइट पे वो कंज्यूम कर जाता है सिर्फ खाने में हम कहते हैं हमारी जीडीपी जो है कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है उसको लोग कहते हैं कि जैसे पता नहीं कोई अयाशी चल रही है इस मुल्क में अयाशी नहीं चल रही ये आम शहरी दाल रोटी में ही खत्म हो जाता है भी एक तब एक तबके तबके की है। है। मैं मैं जनरल एवरेज सिटीजन की बात कर रहा हूँ जिस, जिस की। मुल्क में लोग रोटी लेने को इतनी मुश्किल हैं और लेटेस्ट रेंज रोवर आ रही होती है बिल्कुल अस्सी अस्सी लाख की गाड़िया दो लाख दो साल का वेट है जी अगर आपको सिविक लेनी है उनके बगैर दो साल का वेट है मतलब इतनी ओ भाई है। इस वक्त लाहौर में आ, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दी दोस्त ने लाहौर में राइस चावल की टेस्टिंग किट्स क्लियर नहीं हो रही जर्मनी से आती हैं वो एक्सपायर होने वाली हैं उससे उस टेस्टिंग किट के बगैर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता चावल पचास कुछ लाख का किट है ये टोटल अमाउंट किट्स का वो एक्सपायर होने वाली है आपने रेंज रोवर लाने दे दी कितने की है रेंज रोवर इस वक्त <laughs> आप मुझे जानते हैं आई एम द वर्स्ट पर्सन होगी ना इस ऑर्डर के पचास लाख के पता नहीं जितनी भी हो उससे तो ज्यादा ही है करोड़ से तो ज़्यादा हाँ। की होगी तो रेंज आप एक्सपोर्ट अर्निंग कर सकते थे वो टेस्टिंग किट लाने से अगेन आपने सोवियत इकोनॉमी चलाई तो उससे ये हुआ जो आप कह रहे थे ना शॉर्ट टर्म में कंट्रोल कर ये होता है फिर उससे कि उधर गाड़ी आ गई इधर टेस्टिंग किट नहीं आ रही है एक्सपोर्ट नहीं हो सक रहा चावल आई मीन बेसिक स्टूपिडिटी तो कोई भी पॉलिसी अकाउंट फॉर नहीं कर और ये चावल बाय द वे बासमती पाकिस्तानी पाकिस्तानी बासमती इज सेल्स एट अ प्रीमियम कंपेयर टू इंडियन बासमती इन यूरोप एंड दे स्टिल वांट टू बाय पाकिस्तानी बासमती क्योंकि उसमें कोई फंगसाइड या कुछ केमिकल लेवल्स कम होते हैं कम क्यों होते हैं इसलिए नहीं पाकिस्तानी फार्मर बहुत एजुकेटेड है खरीद नहीं सकते बेचारे

If you maintain that policy framework for 5-10 years, India ka dekhe na, yaar, 90s, early 90s mein license raj khatam hota hai. by 2000s the economy starts stabilizing, UPA 2 se people tang by the end of the 2010s, which gives rise to Modi and Modi continues that policy. But even if you look at it from the early 90s to the mid 2000s, Musharraf dictatorship ke end tak agar aap chale jayain, to the divergence was clear in what 15 years 15 years kya in a lifetime of a nation so it is nothing 15 years is the time you will bring a new generation of pakistanis from the wombs into the high school yeah. and if you get it right your demographic dividend will naturally skyrocket your country because you've prepared the ground for the next generation to take over

उनको भी पता है इनके पास है तो नहीं पैसा हमें काम नहीं करना लेकिन दिखाना तो है कि हम विलिंग हैं तो कह रहे हैं सर हमारे पास तो पैसों की कमी है अगर आप चाहते हैं कि हम टी को सेफ हेवेंस को डिसार्म करके उनको रीलोकेट करें अवे फ्राम द बॉर्डर तो उसका खर्चा आएगा चाय पानी देना पड़ेगा मुझे किसी ने ईमेल किया था कि मैं कनाडा में इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ आई वॉन्ट टू कम ऑन द पॉडकास्ट आई थिंक तुम्हारे बाद फॉरन को बुला लोला लो तो, जर्मनी पे बुला लो जर्मनी के लोग बैक ये कर लेते थोड़ी हैप्पीनेस जिंदगी में ले आओ कैसी थी इंडिया ट्रिप Yeah, it was fun. Um, first time properly traveling in the country. Um, we went to Delhi for a day. Delhi Sagra, Tajmail Dekha. We went to Rajkot and then to Bhatwa and Bagasra, which are my ancestral homes uh, from both my maternal and paternal side. Goa, uh, Bombay. There is an energy um, that you feel among people. and this, the way to sum it up is the energy is, they're feeling particularly among, i met basically my friends from college that i went to college with, um, was that this is our moment, if not now, then never. that's the attitude. Um, the attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in india, um, a lot of uh, activity to digitize the country. i'll give you an example, two examples. बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था ठीक है पान वाले के पास क्यूआर कोड था आपको कैश की ज़रूरत नहीं है आप स्कैन कचोरी बंद लोग खा रहे थे वहां मैं देख रहा हूँ यार कचोरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं पैसे कोई नहीं दे रहा ट्रांजेक्शन वो चेक क्यों नहीं कर रहा फिर मैंने साइट पे देखा तो पे का क्यू कोड लगा हुआ था लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया कितना आया कितना नहीं आया उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू सो वट द फिन डूइंग इज गिविंग स्मार्ट स्पीकर कनेक्टेड टू द मर्चेंट्स वालेट तो अनाउंस करता है स्पीकर फिफ्टी रुपीज़ रिसीव्ड हंड्रेड रुपी रिसीव्ड ट्वेंटी रिसीव तो उस वो अपनी कचोरी बना रहा है या पानीपुरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसा दे दिया किसी ने रिसिव्ड अकाउंट माइक्रो ट्रांजेक्शन्स Um, दूसरा एक बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए पाकिस्तान से इंडिया अगेन मतलब yeah, right? uh, उस... like मतलब no. so, ऐसा नहीं, इंडिया में कैश नहीं होता है इंडिया ट्वेंटी तो तक भी ले आएंगार विदियामी फॉर वेरियस रीजन फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग Um, you know, हाँ हमारे वो जो बेसिक फाइव जी जो जियो ने किया है वहाँ पर वो भी नहीं है यहाँ पर तो रहे। नहीं तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है वो जब आएगा तब ये चीजें हाँ, और अब रास्त अन पेमेंट इंटरऑपरेबल क्यू आर कोड बिन स्लो एट इट द ट्रेजिडी इन दहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं जैम ट्रिनीटी कहा जाता है जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स यू पी आई एंड मोबाइल फोन एक्सेस दैट Um, आधार यूनिक आई डी डिजिटल पहला एन आई सी जब बनाया था उसमें सेम हाँ। हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज आई थे पासपोर्ट डिजिटाइज थे बट हमने next step नहीं लिया उससे हमने डाल दी बस बस डाल दी बस अभी बस अभी भी, भी नादरा जो है आधार फॉर एग्जाम्पल डज नॉट चार्ज मनी Or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one. But in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to low cost no cost. The cost of sending money on UPI is zero, it's zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI uh, bhi na, logo. It's a unified payments interface, which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. Us digital railroad, pe, pe माइक्रो पेमेंट्स जाती हैं कनेक्टेड टू अ वालेट और अ बैंक अकाउंट द गवर्मेंट ऑफ इंडिया मैंडेट दैट एवरी सिटीजन विद एन आधार कार्ड शुड हैव द राइट टू अरो बैलेंस जीरो कॉस्ट बैंक अकाउंटल डिजिटल तो आप अगर गाँव में रहते हैं आपका आधार है तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट दिस इज मोदी गवर्मेंट डिड एंड यूज क्रिटिसाइज एट दैट टाइम क्योंकि लोग कहते थे योर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी जीरो बैलेंस आप बैंक से सब्सिडी देके बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं उससे कुछ होगा नहीं ट्रांसफॉर्म लाइफ क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया आधार Direct है सब्सिडीज देना शुरू कर है एग्जैक्टली लेट टू पॉपुलैरिटी लेट टू सर्विस डिलीवरी लेट टू रिडक्शन करप्शन एंड डिजिटाइज पेमेंट्स बिकॉज नाव यू 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 कैन कैन गेट गेट इंश्योरेंस क्रेडिट कैन डिजिटाइज पेमेंट्स एसर अलॉन्ग विद द द सेकेंड एग्जाम्पल आल गिव यू इज के राजकोट इज़ सिटी ऑफ टू मिलियन पीपल उससे दो सौ किलोमीटर साउथ टूवर्स द अरेबियन सी इज़ माई पटर्नल ग्रैंड फादर्स विलेज घेट बगसरा सो कहते हैं um, तीन हजार कुछ लोग रहते हैं उस गाँव में अभी भी अच्छा ना उनमें से कोई एक कॉमेंट करे अरे ये तो मेरा गाँव है <laughs> <नेरा गाँग में. laughs> <laughs> तो वही मैं कह रहा था वहाँ पर फोर जी एल टी मेरा चल रहा था राइट अप टू द अरेबियन सी एंड उस गाँव में I went for a walk. मुझे एक मिले uh, आदमी क्योंकि मैं मेरे अबू गए हुए वहाँ पे सामानों पहले तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना शायद तुम्हें कबर मिले उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए क्योंकि एक बोर्ड था बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाए ये जब ये नहीं बोलना कबर पे क्यूआर कोड रहा नहीं 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 तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है ठीक है तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मेरे कोई बच्चा आया फूल डाले उसने बोला क्यू आर कोड नहीं <laughs> इतना भी है उतना नहीं है अच्छा, लेकिन लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ क्यू आर कोड था फूल वाले के वार। हाँ वार। उसके पास क्यू आर कोड था और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से और आप मैंने तो कैश दिया बिकॉज यूपीआई फॉरनर्स के लिए नहीं चलता बट वहाँ लोग की क्यू आर कोड तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह पुअर गाय वेरी पुअर गाए um, मैं घर में गया उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया पिलायाड स्मार्टफोन विध फोर जी एल टी ऑन इट एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें खरीद के आ गया फिर बेचता हूँ मेरे बच्चे नहीं हैं मी एंड माई वाइफ वो वी लिव यू नो हैपली पुअर बट वेर हैप्पी तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद तो मैंने पुरानी जो है ना मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं उसमें लोग रहते हैं वगैरह उन्होंने तो मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में यहाँ आपके घर होते थे ये वो तो वह मैंने एक स्ट्रक्चर देखा हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती पेंट हुआ हुआ था अच्छा सा मैंने कहा ये क्या है कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं बाटवा एंड बगसरा नाव हैवे यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग नाइन्टी परसेंट तीन हज़ार लोगों का गांव है वहाँ अभी भी लोग काव डंग जला के खाना बनाते हैं लेकिन स्कूल जो थी ना वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है फिर उन्होंने मैंने कहा वो दरगाह किधर है तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी आपको नज़र नहीं आई अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ी दरगाह है तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा मैंने कहा था स्कोर के बराबर मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया तो मैं तुम्हें तो दिखाता हूँ मुझे बाहर लेके गए हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है फोर वॉल्ड दीवारें उसके अंदर कंपाउंड है ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला बराबर में मंदिर है उसका तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कबरें भी होती थी उसने कहा यहाँ दो कब्रें एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की वो दो सौ साल पुरानी है तो दीज वर दीपल हु कन्वर्टेड द मेम इन दैट एरिया टू इस्लाम यर्यर्स अगो एंड देन माई फैमिली एसर री ट्रेस पैक के दो सौ ढाई सौ साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना लोग कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आते हैं दूर से मुसलमान आते हैं लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं मन्नत मानते हैं क्रिश्चन आते हैं सिख आते हैं इस गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक एंड इस तैयार एंड स्प्रिम बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह वो नहीं बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बेरिड बट दो ग्रेवस आर नॉट देर बट दरगाह

यार प्लीज कोई अगर बाटवा रिश्ता भेजना हाँ, चाहता है लोटर पे शायद आएगी तुम्हारी लेकिन सिटीजन हो नहीं अब पाकिस्तानी ओनली डॉक्टर हो नहीं लॉयर हो हाँ प्रैक्टिस करते हो नहीं, नहीं। एक अमेरिकन डिग्री है अपना अमेरिकन बाप की दुकान है नहीं, में। नहीं, 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 नहीं तो बड़ा मुश्किल रेट है। में तो होगा ना यार नहीं कर, अब आजकल करेंसी के हिसाब से करोड़ों में तो होगा यार मतलब एक करोड़ तो आजकल मतलब क्या है कुछ भी आठवा में उनमें कम हो गया जनरेशनली शिफ्ट हो गए लोग आगे चल प्लीज अगर आपकी फैमिली है कॉमेंट कर दे मुझे मैं रेडी हो रिश्ते बायोडेटा मैं कर दूंगा चेक तपास अच्छा। तपास मैं कर दूंगा इसकी हम तपास कहते हैं इसको बिफोर uh, मैंने अपने अपना रिश्ता करवा दिया हाँ। क्या सुना रहे थे तो बाटवा में विच इज अ बिगर टाउन वहाँ चार हजार uh, मेमन घर होते थे पार्टीशन से पहले और बाय द वे बगसरा में जब मैं उसने गोविंद भाई ने मुझे घर दिखाए इनफैक्ट फन बिफोर आई गो टू बाटवा एक और बगसरे की बात बता दूँ तो वहां जब मैं टूर करके आया स्कूल के पास वहाँ दुकान थी तो चार लोग और जमा हो गए थे क्योंकि तो मेरे ड्राइवर से बात कर रहे थे भाई ये कौन है इसकी बेगम गाड़ी में बैठी है अमरीकी है ये हमारे जैसा ही लगता है लेकिन उसको गुजराती नहीं आती बोलता हिंदी है उर्दू टाइप की तो क्या कर रहा है मैंने उनको उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि भाई अमेरिका से आया है ऐसे पाकिस्तान से है इसके दादा यहाँ से थे तो फिर उन्होंने भी मुझे टूर दिया ना पाकिस्तानी स्वादेश है हाँ तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ तो यहाँ तो मेमन रहते थे तो फिर जा रहे था मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं 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 रुको एक सेकेंड तुम्हें एक और शख्स के घर लेके जाते हैं मैंने कहा कौन तो वहाँ आर्ग्यूमेंट हो गई ना इनकी कि नहीं लेके जाओ उसको याद नहीं होगा वो गुजराती में बात करना मुझे मेमनी के थ्रू गुजराती थोड़ी बहुत समझ आती है तो पता लगा उस गांव में एक 150 साल पाँच साल का शख्स रहता है उसका नाम है भीमा आता एक सौ पाँच एक सौ पाँच साल का या सो माय ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन 1922 इफ ही वाज अलाइव टुडे वुड हैव बीन 101 सो ही वाज फ्रॉम माय जनरेशन सो बेसिकली दे ग्रू अप टुगेदर टीज टू माय ग्रैंडफादर वाज नो लॉन्गर अलाइव एंड बी माता वाज स्टिल अलाइव तो मैंने कहा यार जाते हैं मिलते हैं उससे उसने कहा उसको कुछ याद नहीं है अब लेकिन तुम चलो उसके पास तो मैं उसके घर पे गया उन्होंने वो सोए हुए थे उठे और मैंने उनको कहा कि मेरे दादा यहां से थे तो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा था आदमी तो उससे पूछा नाम दिया अब दोस्तार याद है तुम्हें कोई मुझे नाम अब याद नहीं है लेकिन ये याद है कि उस ज़माने में फोर्टी सेवन से पहले मैं मुसलमान और मीमन बच्चों के साथ जब हम छोटे थे तो हम सब साथ ही खेलते थे और फिर वो चले गए फोर्टी सेवन में कोई वापस ऐसे नहीं आया बट थे यहाँ तो उसको याद था ये हेड मेमरीज ऑफ एटलीस्ट ग्रोइंग अप विद माई ग्रैंड फादर्स जनरेशन एंड दे प्रॉबली प्लेड टुगेदर एंड दिस गाइट स्टिल अलाइव वहाँ से जब मैं निकला तो उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये देखो इस घर में तुम्हें छोटे डॉट्स नज़र आएंगे चार पांच ऊपर दीवार की तरफ तो मैंने कहा हाँ वो नज़र आ रहे हैं कैमरा से यू कूडन सी दैम बट यू गुड टेल के डॉट्स से उसने कहा ये मोमेंट था जब सब छोड़ के गए हमारे बड़े बताते हैं कि किसी ने राइफ़ल चलाई थी इस गाँव में और उस राइफ़ल चलने के बाद इस गाँव से एटलीस्ट मेमन जो है वो साउथ चलने लगे और कश्ती में बैठे और कराची आ गए सारे बगसरा खाली हो गया मेमनों से so history, there, um, तो दैट वाज द हिस्ट्री स्टिल देयर यू कैन सी इट तो उससे पहले बाटवा आता है जूनागढ़ के साउथ बिफोर बगसरा बगसरे के बाद बगसरे में मैं हमेशा सोचता था एंड um, मेरे कज़न ने फिर फेसबुक पे भी ये मैसेज किया कि मेरे दादा को बड़ा शौक़ था बीच जाने का पहले केमाड़ी जाते थे फिर जब क्लिफ्टन आ गए तो क्लिफ्टन बीच बड़ा जाते हर इतवार को ना वह जाके वो बस खड़े होते थे और बैठते थे कुछ पापड़ वगैरह खाते थे और मेरे परदादा आई डोंट रिमेंबर हिम आई वॉज इन बॉर्न यू यर पास अवे बट द एल्डर इम आई सैम रिमेंबर हिम यू यूज़ टू लव गोइंग टू केमाड़ी एज वेल तो जाके पता ही चला कि बगसरा से बीस पंद्रह मिनट की ड्राइव बेसिकली एन आवर लॉन्ग साइकिल राइड इज़ द अरेबियन सी सो दे लव गोइंग देयर आफ्टर कमिंग टू कराची गोइंग टू द बीच बिकॉज दै वॉज वट देर होम लुक लाइक एंड देन एवर टॉक्ट अबाउट दैट कि भाई ये हम बचपन में यहाँ जाया करते थे अब हम याद आती है ना बेसिकली लेकिन मेल्स ऑफ दैट एरा आर नॉट इन ट्यून विद ओन इमोशंस इन दैट सेंस अब जाके पता चला कि अरे यार इसलिए जाते थे दादा पर दादा और ये वही साहिल है, वो, वो ही है, वो ही है। सी वही ही ही है साहिल के लक्ष्य भी वैसा ही आजकल वैसा नहीं लगता वहाँ का माधवपुर बीच जो है वो बहुत खूबसूरत है क्लीन है आबादी कम असलिए साफ़ है ज़्यादा कराची के हिसाब से बट यस वो याद आती थी खूबसूरत बात है यार वो सोचते होंगे बैठ के कि वही पानी है वही पानी है इसी पानी से आए थे लेकिन जा नहीं सकते वापस तो ये था बाटवा में उससे पहले मैं बाटवा गया था उससे बिगर टाउन चार हजार मेमन रहते हैं वहाँ पर वहाँ पे जो है कोई बारह तेरह मस्जिदें पुरानी लेकिन एक बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद उसको कहते हैं उस वहाँ जाने से पहले माई डैड सेट कि उस ज़माने में इवन बगसरा में जो पैदा होते थे उनकी बर्थ रजिस्ट्रेशन बाटवा में होती थी तो तुम म्यूनसिपल ऑफिस जाना और उनसे पूछना कि फाइलें शायद हों उनके पास तो मैं वहाँ पूछा मैंने ड्राइवर से कि भाई कहाँ तो उसने कहा यहाँ म्यूनसिपल ऑफिस तो नहीं होती लेकिन नागर पालिका कहते हैं लोकल गवर्नमेंट ऑफिस को तो मैं वहाँ पहुँच गया ऊपर गया नमस्ते जी क्या काम मैंने कहा सर मेरे दादा यहाँ से थे और नाना भी थे तो उनकी बर्थ रिकॉर्ड मुझे देखना है ना अब उन्होंने बाद में मुझे ये बताया वो समझे मैं किसी प्रॉपर्टी के चक्कर के लिए बर्थ रिकॉर्ड और डेथ रिकॉर्ड देखने के लिए आया हूँ ना तो उन्होंने एक लड़के को नीचे भेजा कहते हैं अच्छा कब के, के थे मैंने कहा नाइनटीन और नाइनटीन ट्वेंटी ये दो साल थे जो दादा नाइनटीन नाना नाइनटीन उन्होंने एग्जैक्ट डेट मांगी तो मुझे याद नहीं थी तो मैंने व्हाट्सएप में लाया डैड को कि भाई बताएं कि क्या तारीख़ थी वो मैं लिखूं उनको बताऊं वो गुजराती में लिख रहे हैं वहाँ पे मैं ट्रांसलेट वो ट्रांसलेट करके लिख रहा है एक शख्स बंदे को नीचे भेजा 1900 से 1930 तक का वो एक स्टैक ले आया फाइल्स का पुरानी लाल रंग की और एन सिक्स पीपल स्टार्टेड गोइंग थ्रू नाइनटीन ट्वेंटी अब मेरी परदादी का नाम जुलेखा था तो उस नाइनटीन ट्वेंटी के पीरियड में छः जुलेखा मिली जिनका बर्थ रैकर्ड था उस ज़माने में दे वुड पुट एक कॉलम जेंडर का होता था मेल फीमेल वन जीरो करके वो लिखते थे फिर माँ का नाम लिखते थे फिर एड्रेस लिखते थे और बच्चे का नाम और उसका वजन भी शायद लिखते थे उस वक्त तो वो उनको मिली लेकिन नाम मैच नहीं हुआ बट द पीपल वर सो फ्रेंडली फिर बाद में उसने पूछा कि यार तुम क्या प्रॉपर्टी के लिए क्या है मैंने कहा नहीं प्रॉपर्टी के लिए नहीं है मेरे दादा नाना यहाँ छोड़ के चले गए थे सब तो मैंने सोचा चेक करूँ कि रिकॉर्ड है तो शायद

तो वो बैठा कंप्यूटर पर उसने बर्थ ईयर डाला उसने नहीं कर, ये वाली फ़ाइलें नहीं हुई इसलिए वो नीचे हैं दे लेकिन फाइंड द नेम बट इट वॉज ब्यूटीफुल टू सी सो मैनी पीपल विलिंग टू हेल्प फिर उन्होंने बताया एक बैठा हुआ था वहाँ नागर पालिका में ऑफिशियल उसने कहा मेरा जो घर है वो मेमनों का था अभी भी वैसे ही हमने रखा हुआ अंदर से रेनोवेट किया बाहर पुराना ही है तुम जाओ यहाँ चलो आगे मस्जिद है वो चेक करो तो फिर मैं आगे गया मे बी हाफ अ किलोमीटर इन तो वहाँ पुरानी जामा मस्जिद थी उस पर गुजराती में बोर्ड लिखा हुआ है कब बनी आ, अंदर गया तो रेनोवेशन वर्क चल रहा था तो एक साहब आए उन्होंने कहा अभी तो नमाज का वक्त नहीं है मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही आया हूँ मैं बाहर से हूँ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से, से। हो मैंने कहा पाकिस्तान से उन्होंने कहा और देखो ऊपर मीनार तक मुझे लेके गया मीनार से मैंने व्यू देखा पूरे बाटवा का और नीचे आया तो उन्होंने कहा इमाम साहब आ रहे हैं वो आपसे बात करेंगे तो उन्होंने नंबर दिया अपना बताया यहाँ तेरह चौदह मस्जिदें हैं पुरानी मेमनों की एक में नमाज़ होती है अब क्योंकि मेमन इतने नहीं है मुसलमान बाटवे में और धुराजी का जो ट्रस्ट है वो उसको मेंटेन करता है अब हम द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वे नो वी कैन गो अब दर ट्रिप साइडेडर कि जब उन्होंने दादा का नाम पूछा मैंने कहा अब्दुलस्तारे दी दैर वॉज माई डैडस नीम इज वाल ग्रैंड फादर्स नेम मैंने कहा वो अब्दुलस्तारे रेदी फाउंडेशन वाले मैंने कहा नहीं, नहीं आए साथ ही थे <laughs> <laughs> वो वाले नहीं हैं मेरे दादा बट दीपुल न्यू अब सतार एदी इन दैट टाउन नागर पालिका में भी ये सवाल मेरे से पूछा उन्होंने जब मैंने दादा का नाम दिया और uh, मस्जिद में भी कि वो तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं और हमारे टाउन का उन्होंने जो है ना नाम रोशन किया और अभी भी उनकी फाउंडेशन वो आए थे एक दफ़ा उनका घर भी यहाँ है पुराना और ये वो तो अलॉट ऑफ इज डिलेपिटेट बिकॉज द कम्यूनिटी हैज़ लॉस्ट टच विध वी केम फ्राम फॉर जियो पोलिटिकल बट बाय लार्ज वन यू इंटरक्टेड विद पीपुल वेरी फ्रेंडली वो कहते थे हाँ यहाँ मेमन होते थे और आओ हम तो सब इधर के ही हैं और देखो यहाँ स्कूल है कॉलेज है मदरसा हॉस्पिटल है वगैरह वगैरह तो वेरी नाइस रंग एंड इट वॉज लाइक यू नो हमने राजकोट से दो सौ किलोमीटर इच वे ट्रिप थी विच यू ऑल्सो देन सो द इन्फ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ यहाँ मोटर वे टाइप रोड नहीं मिलेगा आपको गुजरात में बट यू सो आई सॉ मोर हैवी ट्रैफिक ऑन दैट रोड ऑल द वे देन आई सॉ इन द इस्लामाबाद लाहौर मोटर वे हालांकि वो डॉलर डेट से लिया हुआ रोड है ये इन्होंने खुद छोटा सा मेटल रोड बनाया है और उस दो किलोमीटर में बेरली चार या पाँच किलोमीटर बम्पी था मेरे दिमाग में था कि यार डे ट्रिप है ये दस घंटे की ट्रिप है चार घंटे आने के चार घंटे जाने के बीच में रुकना है कमर तो आज गई ना योगा करना पड़ेगा आने के बाद बट इट वॉज अमेजिंग टू सी यार के दो लेन का रोड ऑल द वे टू द अरेबियन सी थ्रू अर विलेज आफ्टर विलेज आफ्टर विलेज इंक्लूडिंग माई ग्रैंड फादर्स विलेज वॉज अमेजिंगली कनेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ग्रेट रोड्स पर आपको ट्रैफिक नजर आई गाँव के बाहर वाले रोड पर आपको औरतें स्कूटर चलाती ही नज़र आ रही थी

एक तीन हज़ार लोगों के गांव में यार प्राइड ऑफ दैट गांव इज अ स्कूल राजकोट में हम एयरपोर्ट से निकले तो लॉरन एक्चुअली पॉइंटेड दिस आउट टू मी कि यार उजेर लुक द म्यूरल्स हियर आर ऑल अबाउट वेमेन एम्पावरमेंट सेंड योर गर्ल्स टू स्कूल पुट योर गर्ल्स टू वर्क प्ले स्पोर्ट्स विथ योर चिल्ड्रेन रेस कोर्स राजकोट का जो है हम समझते हैं यार रेस कोर्स तो सिर्फ है ही लीड के लिए ड्रॉप बाय द रेस कोर्स वहाँ रेस कोर्स में लोग बैठे हुए हैं पलाखी मार के भेल पूरी खा रहे हैं चाट खा रहे हैं कपल्स बैठे हुए हैं बूढ़े भी बैठे हुए हैं लाइट अच्छी है सी चल रही है, पीछे फुटबॉल मैच चल रहा है और ये राजकोट जो है थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात दो टू मिलियन पीपल अपेरेंटली समथिंग लाइक दैट थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट सिटी इन गुजरात so,

In Karachi. Two and, million people. And they probably generated themselves. They have a excise duty on motorbike sales, they have their property taxes, they have a reserve fund. It's all disclosed, it's all audited. You can go online and look at it on the website and see what they're spending money on. There's a metro that runs through the middle of the Jangla Bus beach. Beach Road, but there's fences on either side of it, but it's not elevated. Bus service hai. <laughs> there issue are issues इश्यूज हैं मैंने ड्राइवर से बोला संगा थोड़ा पानी का इश्यू है यहाँ roads better. but by and large the infrastructure and the cleanliness all the way up to Gate Bagasra a village of 3,000 people was just phenomenally impressive. It was just you could you could see why this country is on the move and why people actually like have that energy about them. I Shark Tank India. I binge watch it. I a it very इंसानिटी है लाइक दी आइडियाज पीपल कम अप विथ उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बिफोर यू इवन बिल्ड एन इलेक्ट्रिक बाइक वही नहीं है हमारे पास मतलब एक बंदा यहाँ पर शायद सोच ले शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बच्चों को वही आइडियाज़ आ रहे हैं जो इंडिया में आ रहे हैं क्या अच्छा yeah. इलेक्ट्रिक बाइक बना सकते हैं या हम ये इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग इस तरीके से हम कर सकते हैं अभी किसी को सामबड़ी ब्रॉट फोल्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक ऑन शार्क टैक इंडिया गुड इनोवेशन शायद वो इनोवेशन या पाकिस्तानी के बच्चा सोच ले लेकिन उसको बैटरी नहीं मिली <laughs> सस्ता खाना तो दो उसको पढ़ा बेसिक लिटरेसी तो दे दो उसको पाकिस्तान की यूथ लिटरेसी इज सेकंड फ्रॉम बॉटम इन सार्क आफ्टर अफगानिस्तान एवरीबडी एल्स इज अबाव नाइन्टी परसेंट पाकिस्तान हावर्स अराउंड सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट उसमें से मर्द निकाल दें तो पचास परसेंट है ये हमारी यूथ है वर्सेस बगसरे की प्राइड दिस पुअर गाय गोविंद बाई मी अ टूअर He doesn't have children, but his pride, you could see it the way he talked about that school was well, that school. Speechless here, <laughs> this yeah, happens. It's amazing. And uh, third, fourth largest city in Gujarat by India terms would be what, like twentieth? Something like that, I would say. I lose like sense of size of Indian cities, like I don't know. But um Agra guy Agra was phenomenal in the sense that um

हाँ हमारी <laughs> तो अरे उसको क्या मतलब क्या मेरा? मसला है नहीं कि कैश ट्रांजेक्शन टोल प्लाजा पे इज टू एक्स दैट ऑफ अ डिजिटल ट्रांजेक्शन एवरी थिंग इज मैंडेटरी फास्टैग ऑन द हाईवे नेटवर्क इन इंडिया बाय लॉ आपके पास फास्टैग होना चाहिए नहीं है या बैलेंस नहीं है तो आपसे टोल लेगा लेकिन वो दो गुना ज्यादा टोल है कैश पे देट ट्रांसपेरेंसी इन द फ्लो ऑफ मनी तो उस पर हम गए आगरा पहुँचे बाय द वे आगरा में गाड़ी चलाने वाले कराची जैसे ही हैं उल्टा आ रहे होंगे कोई सामने से क्रॉस कर रहा है कोई हॉर्न पॉर्न बजा रहा है गलियाँ छोटी हैं वगैरह तो वहाँ ताजमहल पे दे हैव रेगुलेटेड सो वेल शहजाद के आ, हम उतरे गाड़ी से तो एक गाइड आया उसका नाम फैसल था तो उसने कहा गाइड गाइड मैं समझा यूनिशली के इज जस्ट यू नो ऐसे ही घूम रहा है यहाँ घूम रहे होंगे लोग तो उसने अपना आईडी निकाला उस पर क्यू कोड था यू कुड स्कैन द क्यू कोड कोने में रेट उसका लिखा हुआ था उसने कहा दिस इज़ माई रेट यू कैन टिप मी इन एडिशन आफ्टर दैट तो मैंने कहा चलो आ जाओ यार देखा नहीं है अब तुम थोड़ा बता ही दोगे कि ताजमहल में क्या क्या किसने कहाँ क्या बनाया तो फिर उससे बाद उसने कहा आप कराची से हो तो मैंने कहा यार तुम्हें कैसे पता कहें सर हमारे पुप्पी के लड़के कराची में रहते हैं और हम थोड़े यहाँ से ह्यूस्टन भी गए तो वहाँ भी कराची के हैं लोग तो मैं आप समझ गया आपकी एक्सडेंट सुन के गए आप कराची के ही हो गए तो मैंने कहा ये निकल गया हमारा एम क्यू एम का भाई <laughs> 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 तो उसने टूर कराया और मैंने जब टिकट लेने के ना अगेन ये एक जोक था हम जोक करते हैं डीसी में जब इंडियंस के साथ अपने कॉलिग्स में मैं बैठता हूँ तो वो कहते हैं कि द वे यू टेल अ फॉरिनर इंडिया इसके वो यू पी आई इस्तेमाल नहीं कर सकते तो मैंने कहा चलो आज जाओ टिकट लेते हैं मेरे पास कैशा नहीं नहीं भाई टिकट में तो बड़ी लंबी लाइन होगी तुम इधर आओ वेंडर के पास मुझे वो लेके गया उसके पास स्मार्टफोन था उसने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था नाम वाम पूछा उसने डाला फ़ोन में अपने और कहता है इतने पैसे दे दो आई फॉर्ग द रेट फॉरनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हज़ार रुपया कुछ था पर पर्सन तो उसको मैंने कैश दिया उसने पेमेंट यू से की फिर कहता है अपना व्हाट्सएप नंबर दो तो उसने मुझे ई टिकट व्हाट्सएप कर दिया तो so, हम गए ई टिकट वहाँ बार कोड स्कैनर है सिक्योरिटी पे उसका उसका भी स्कैन हुआ बाय द वे बार कोड बिकॉज अपेरेंटली देर इज़ अ लॉ और रूल के अ गाइड कैन डू वन राउंड एवरी डे सो एवरीबडी गेट्स अ चांस टू डू अर्न सम लिविंग आउट ऑफ दैट तो उसने मुझे पूरा टूर कराया तस्वीरें ली उसको मैंने टिप दी उसने फिर मुझे आगरा के पीछे दुकानें है वहाँ ले गया तो वहाँ एक ज्वेलरी स्टोर में हम जैसे यहाँ कहते हैं ज्वेलरी स्टोर की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आम ज्वेलरी स्टोर में बैठे तो उसकी हर ज्वेलरी स्टोर के ऊपर साइन के ऊपर जीएसटी नंबर लिखा हुआ था उनका और रसीद आपको पक्की देते हैं वहाँ उन्होंने आईडी लेते हैं फॉरेनर का मैंने पूछा क्यों आईडी फॉरेनर का लेते तो हो कहते हैं कि सरकार का टूरिज्म का प्रोग्राम है कि इफ़ यू आर अ टूरिस्ट बाइंग स्टफ़ इन दिस बाज़ार तो जी नहीं लगता तो हम कलेक्ट नहीं करते बट आई नीड एविडेंस कि मैंने बेचा जो है वो फॉरनर को बेचा है तो उसने आई कार्ड की तस्वीर ली पेमेंट ली डिजिटल उसका सिग्नल अंदर नहीं आ रहा था दुकान में तो अपना मशीन लेके पीओएस मशीन लेके बाहर गया टैप किया चली मशीन पक्की रसीद दी उसने मुझे गोवा में कबाड़ी की दुकान के पास से वी ड्रोव बाय उसका छोटा सा साइन था कोने में जीएसटी नंबर लिखा हुआ था मैं ड्राइवर से पूछा उसने कहा यू गो बाय स्टाफ यर वो आपको देगा पक्की रसीद देगा सो तो देटली ऑन शार्क टैंक इंडिया ब्रॉड कबाड़िया ऐप जो उसने डिजिटाइज करके हाँ। सबको Yeah. कहा पहुंचे हुए ये लोग मिलना भी चाहिए कुछ एंड अगेन फैक्ट जब मैंने बॉम्बे का कहा कीज कई कोर्ट के इलाके तो में हम चल रहे थे पूरा दिन यहाँ हाई कोर्ट में मतलब इलाके में जाना है इज एन नजाब यहाँ तो गाड़ी में भी जाना हाँ मसला है? तो वहाँ हम चले तो लोगों ने बॉम्बे के लोगों ने कहा कि ओ यू जस्ट वेंट टू द फैंसी पार्ट्स ऑफ़ साउथ बॉम्बे तो मेरा मूड नीचे कमेंट करूँ के फैंसी पार्ट्स में आ जाओ तुम शुक्रिया अदा करोगे अपनी सरकार का आठ नई मेट्रो बन रही हैं आठ या दस नई मेट्रो अंडरग्राउंड बॉम्बे के अंदर इस वक्तर ऐसे जो तो है, हम तो पाकिस्तानी हैं तो हम डिफरेंस बता सकते हैं But I'm uh, probably your wife couldn't tell much. Because I'm thinking of foreigners, ko itna farak Lahore, Delhi. She nahi. hasn't been to Lahore, so Aapko e, <coughs> you see more women in public? A in lot Delhi. more. public to the extent, Shazad ke, yeah. I noticed this in my first trip as well. If you're going down a road, oh, wahan public infrastructure projects, sidewalk ki painting, yeah, sidewalk luggage. Bombay, by the way, is excellent sidewalks. You can just walk everywhere, at least in the old parts that I was in. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अगर हो रहा है ना बेसिक वाला काम वो हैवी इंजीनियरिंग कॉजवे वाला नहीं तो वहाँ आपको नज़र आएगा कि तीन मर्द हैं जो काम कर रहे हैं और एक औरत साड़ी पहन के पेंट कर रही है या सीमेंट मिक्स कर रही है या कुछ और कर रही है यू सी अलॉट मोर वेमेन एवरीवेयर डूइंग वर्क विच वॉज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी कल um, हम इंडिया से आए कल बाज़ार गए uh, लॉर्न के साथ

and we were shopping in bombay and almost every store was manned by women. was manned by women. was manned by <laughs> women. <laughs> <Was> manned <laughs> used, by used women. it on purpose. <laughs> <laughs> the, the, the cashier, the customer service person mostly were women in these shops because they catered to women. but she was like, you know, you come to karachi and you go into the bazaar, the plaza or gulf or whatever.

My flight, our flight from Delhi to Rajkot, and the hotel we were staying at was a small hotel. Um, we saw more foreigners there than we saw on our flight from Dubai to Karachi. And this is your commercial capital. So there are a lot of things that are, you know, when you're there in the thick of it and you observe, you realize, ke, oh wow.

It has more followers than my own account. I don't know how that happened, but it I think a lot did. of people think it's you because yeah. I've seen like really credible people also engaging with it, and you've seen that account. And I keep it. repeating on Twitter, this not has nothing to do with And it. Some of the stuff that account posts BS. is BS. It's complete bullshit. Yeah. yeah. So please, yeah, stop, stop following it. India was about to default in 1992, but what saved it? The fact that Pakistan won the World Cup. Indiaने बोला <laughs>

Um, in the way the indians approach the reforms and why pakistan fails to do is one we've talked about this, the role of the military, lack of political stability, very important part. but 90s in india maybe political stability, it took a very courageous prime minister, and a very courageous government to risk everything, you know, to let manmohan singh do what he did. but secondly, and i think this is the most important fact, you can't study it, you can't quantify it, um, it was pride. Um, the picture of india sending its gold to england.

वो मैसी बचा लेगा उनको आ, देखो मैसी सादिक है मैसी अमीन, अमीन है, है। अनटेस्टेड है मैसी आ, ठीक हाँ। भी उनको पैसे दे रहा है और क्या ब्रेवरी ब्रेवरी से बिल्कुल कॉर्नर टाइगर की तरह वर्ल्ड कप रिफॉर्म कर देगा तो <laughs> तहरी को इंसाफ हो आ रही है। 17 बिलियन पीकेआर बीइंग स्पेंट ऑन एंड कैन ही शेयर

judiciary. 's resolution it's an abomination itself. It should have been a scandal of epic proportion in this country, but it was not because everyone's on the same page, including very eminent lawyers in this country who were part of it. I'll summarize it but for I mean, the audience let's, let's very quickly be honest, who was managing. Of course. and I'll summarize this very quickly why I think it's an atrocious thing um the way they did this, because you're a lawyer you studied law. You know this better than I do. कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी डिटर्मिन करता है लेजिस्लेशन के पैसेज के बाद इस वक्त आपके सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ के लिए जो पास किया गया था उसके पैसेज से पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था पार्लियामेंट से लाइक कैन यू इमेजिन दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा बट हो गया और सबने खामोशी से जो है वो चले गए सर, जब एक अदारा ये जब लोग बोलते हैं ना कि यार आप उसको बुरा भला बोलते एक ही इदारा है ये बाई डिजाइन है उस इधारे ने कुछ... यही किया है कि और कोई इदारा ना बन सके ताकि पब्लिक स्क्रूटनी भी ना हो मीडिया स्क्रूटनी भी ना हो जुडिशल स्क्रूटनी भी ना हो अकाउंटेबिलिटी भी ना हो बड़ी क्रिएटिव लेशनिप्रीम कोर्ट मैंने रेफरेंस की जजमेंट पढ़ी सुप्रीम कोर्ट कहता है ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ नहीं क्योंकि इसमें डाली जा सकती हैं और प्रोजेक्ट्स ठीक है ये इसके अंदर दैट वाज द लुबे लुबाब ऑफ दिस आर्गुमेंट उस बिल के पास होने के बाद उन्होंने उसको अमेंड कर दिया कि सिर्फ इधर ही होगा ये सिर्फ इधर ही होगा तो बट अगेन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया उसके पैसेज से पहले तो रिव्यू कौन करेगा भाई

Managerial capability as the operational acumen to rebuild Air India. That is going to create, think about this now from a geopolitical perspective. The US president had a call with Narendra Modi, the French president had a call with Narendra Modi the u.s. white house said that the order on boeing alone will create over a million jobs across 40 states. boeing, thank her for creating jobs think in the u.s. by an india order by ko. an indian company for air india. now imagine the foreign policy repercussions of just that one order alone. and think of where this world is going. <laughs> साउथ एशिया का क्राउन है और अमेरिका है चाहता है यहाँ रिजीम चा... पता नहीं अल्लाह माफ़ करे हकीकत टीवी देखना बंद करें लोग वैन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिटर्न्स व्हाट आर अचीवेबल स्टेप्स टू किक स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आई थिंक ये तो हमने कर लिया। बात कर ली द इम्पोर्टेंट नेट पिकिंग इफ पोलिटिकल स्टेबिलिटी रिटर्न वट वुड ही कंप्यूटर है इंटरनेट um, कनेक्शन है, है तो आप मेहनत करके अच्छे फैसे बना सकते हैं मुझे रिसेंटली पता चला कि अच्छा ये तो मुझे पता था कॉल सेंटर ये वो आ, ये भी मुझे किसी ने अमेरिका में बताया किसकी किस कि स्टोर है उसकी जो कैमरा होता है सी सी टी वी वो इंडिया में लोग देखते तो हैं यू एस के लॉर्ड ऑफ स्टोर उसकी सीसी इंडिया पाकिस्तान में लोग देखे थे सोशल मीडिया मैनेजमेंट पीपल हैव मीडिया मैनेजमेंट पीपल हैव कंपनीज हियर लाइक लाइक दैट रन एन एजेंसी लेकिन उनके सारे क्लाइंट्स यूएस में और अगेन इट डजंट हैव टू बी बाय द वे ये इफ यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज अ कंपैरेटिव मार्केट सऊदी में बहुत डिमांड आ रही है अब इन चीज़ों की दुबई के अंदर पूरी इन्फ्लुएंसर इकॉनमी बिल्ड हो रही है दे नीड आल्सो एफिशिएंट चीप क्वालिफाइड टैलेंट